हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम पाठक डायरीज। तो आप लोग सब कैसे हैं? होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो सब लोग अच्छे रहिए। और अभी बज रहे हैं 6, तो वही मैं फ्रिज में चेक कर रही थी कि मेरे पास क्या वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स तो अभी कुछ नहीं है, और यश के पापा को जाना है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यश के पापा को आज थोड़ा लेट जाना है ऑफिस, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनको ही आज लेके जाती हूँ वेजिटेबल्स लेने के लिए। वरना वेजिटेबल्स मैं लेकर आती हूँ तो बहुत नखरा करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि ये क्यों उठा लाई, वो क्यों उठा लाई। अगर इनको लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि वेजिटेबल्स के दाम कितने हैं और क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मज़ा आएगा आज वेजिटेबल्स लेते समय। लूँगी तो बोलेंगे बस जल्दी कर जल्दी कर, घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वेजिटेबल्स लेने। हम लोग सब्जी को, नीलम यहाँ पे सब्जी ले रही है। नीलम लेते रहो, टमाटर ले लो अच्छे अच्छे, ठीक है? कितने ले रहे हो टमाटर? ठीक है ठीक है, चल ले लो। कितना बता रहे? 3 किलो। अच्छा 3 किलो तो ले लो। ये हमारे अशोक भाई हैं, काम बोले तो बराबर ना, एक टमाटर ऊपर ना एक टमाटर ज्यादा। ये सारी सब्जियां आ गई हैं फ्रेश फ्रेश सुबह सुबह की। हाँ जी, जो है चलो ना यार ले लो। अब कितना देर टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारे साथ इसलिए आने के लिए मन नहीं करता। कुछ भी उठा लो, नहीं जो सही है ले लो, ठीक है ना? सुबह सुबह फ्रेश सब्जी आती हैं। ये क्या ले रहे हो? आलू ले रहे हो गया बस, ठीक है ना यार? क्या क्या लेना है अभी? और करेला अच्छा है, तो अच्छी बात है ना, आदमी मीठा मीठा होना चाहिए। हैं? आदमी में नमक भरना चाहिए कि मीठा मीठा भरना चाहिए? चलो ठीक है, नींबू भी ले लिए। हो गया नीलम तुम्हारा? कितना दो? 350 ये देखो भाई, बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 300 दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो राइट, थैंक यू अशोक। बहुत सी सब्जी लेते हैं सब लोग, आइए भाई यहाँ पे लेने के लिए। ये हमारे अशोक भाई हैं, देखो कैलकुलेटर पे हाथ चलते रहता, चाहे कुछ भी हो, कोई हो ना हो, पैसे आते रहना बस, इनकमिंग। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स लेकर मैं आ गई हूँ। अब देखिए मेरे किचन का हालत, ये रात में मैं ऐसे ही धो के रख देती हूँ ताकि सूख जाए और दिन में अच्छा दिखे, पूरा वाटर इसका ड्रेन हो जाए। देखिए कितना नीट एंड सुंदर दिख रहे हैं बर्तन, सुंदर नहीं हाँ, मगर वाटर पूरा ड्रेन हो गया है। अब मैं इसको सब बर्तन जल्दी हटा देती हूँ साइड में, और वेजिटेबल्स को भी धोना है मुझे। और वेजिटेबल्स में क्या क्या लाई हूँ वैसे तो आपने देखा होगा, तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक अलग तरीके का मैंने मेथी खरीदा है आज, तो वो मेथी मुझे दाल के तड़के में या कोई भी तड़के में आप यूज़ कर सकते हो। देखिए कितना भी साफ करो वैसे दिखता है मैं, प्रेस्टीज का देखिए, प्रेस्टीज लिखा है, नाम लिखे हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वही मैं मेथी के बारे में बता रही हूँ कि मेथी वो एक अलग प्रकार की छोटी छोटी मेथियाँ आती है जो तड़के में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी आता है जब हम उसका तड़का देते हैं। तो चलिए सब मैं हटा लेती हूँ और लगती हूँ, अभी पहले बनाऊँगी मेथी पराठे और फिर आपको दिखाती हूँ वेजिटेबल्स मेरे क्या क्या है, क्या क्या मैं लाई हूँ। और उसको तो पहले मैं हल्दी वाले पानी में धो के, हल्दी और सोडा डाल के धो के रख दूँगी, यानी भिगा दूँगी, बाद में उसे फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बैक साइड वाली बालकनी जो किचन से निकल के बाहर आती है। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया, तो अभी काम वाली आने की है, 1 घंटा लगेगा उसे आने में। तो मैं कपड़े पहले ही भिगा के रख देती हूँ। अगर हमारे कपड़े अच्छे से पहले से भीगे हो और डस्ट पूरा निकल जाता है, जो मैला है वो अच्छा से सोख हो जाता है वाटर में, और फिर धोने में उसे भी ईजी होता है। तो मैं अपना इसमें डिटर्जेंट मिला दी हूँ, और फिर मुझे डालना है आज एक बड़ा चादर, बहुत हैवी चादर है, बड़ा नहीं है, हाँ हैवी चादर है। तो सोच रही हूँ कि बस एक चादर ही डालूँ और ज़्यादा कपड़े ना डालूँ, नहीं तो फिर उसे भी ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। तो एक कपड़े के पीछे दूसरे फिर काम अच्छे से नहीं करती है, तो ये ही है वो चादर जो मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो हल्के में ही उठाने में इतना भारी है, पानी में डालो तो फिर और भारी हो जाएगा,
तो बस एक ही आज चादर में भिगाऊंगी और एक एक दो कपड़े हैं बस वही डालूंगी। तो उसके आने का अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, 1 घंटे से, तो इसलिए मैं पहले इसको पूरे सोख करके रख देती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं ही डाल देती हूँ, सोख कर देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, हाथ धो के अपना चाय पी लूँगी और फिर कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है तो वो ब्रेकफास्ट अभी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे अभी आपको वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो 10 मिनट की यही एक वीडियो हो जाएगी कि बस बर्तन सेट कर रहे हैं और चाय बना रहे हैं। तो मैं बर्तन अभी यहाँ से सेट कर रही हूँ सेल्फ में, वो सूख गए हैं, रात में ही मैं माँज के रख लेती हूँ ताकि सुबह वर्कलोड ना बढ़े, क्योंकि वर्क फिर अगर बर्तन ही माँजना हो सवेरे उठ के तो लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट बनाने में, और अगर किसी को जल्दी जाना हो तो फिर हाय राम हाय तोबा हो जाता है। और मैन पावर के नाम पर तो बस हमारे 2 हाथ है और कोई भी नहीं है, हमें ही सब कुछ करना है। तो ये देखिए, मैं बादाम सोख करके रख ली हूँ, अब मैं रखूँगी अपने लिए चाय। चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, कोई नहीं पीता है घर में, तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और मैं नीचे डेली नाइट को गैस बंद करके रख देती हूँ, तो फिर अभी वही गैस का नॉब खोली खोली अब मैं चाय रख रही हूँ अपने लिए, और फिर मैं डालूंगी उसमें अदरक, क्योंकि मुझे अदरक का फ्लेवर अच्छा लगता है। अदरक की चाय मैं पीती हूँ हमेशा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी गर्मी हो। और यश तो अपनी दूध पिएगा, और कभी इनको मन करता है तो ग्रीन टी ले लेते हैं या फिर काढ़ा पूछते हैं। तो ये देखिए, मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। अब ये रात में मैं कपड़े ला के रखी थी, फोल्ड नहीं करी क्योंकि मुझे वीडियो ट्रिम करना था, अपलोड करना था, तो टाइम नहीं मिला। अभी मैं सब कपड़े हटा लेती हूँ, सामने दीवान को सेट कर रही हूँ, क्योंकि रात में बस ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। और ये देखिए, यश का ये चार्जर का वायर है, कभी भी लटके रहता है, बस उसे मतलब है चार्जर से चार्ज कर लेना और हटा देना। ये देखिए, मम्मी का फोन आया है। वो सपना दाँटो ना बेडशीट वैसा కొంచెం మంచిగా పిండు, అది బరువుగా ఉంటుంది, తాడుపైన ఇయ్యకు. టిఫిన్ ఎక్కడ ఇగో చేస్తున్నా ఇప్పుడు. చాయ్ తాగుతావా? చాయ్ పెట్టనా? అలవట్లేదా? నేను తాగుతా మళ్ళా పొద్దున. ఏం తాగం, బ్రష్ చేసుకొని వస్తావా? బ్రష్ ఎప్పుడు లేస్తావు? నేను 5కి లేస్తా. ఇంకేంటి, మీ ఆయన వెళ్ళాడా? ఆయన స్కూల్కి పోయింది. స్కూల్కా? పాప పేరేంటి? నేను ఇంకా అడగలేదు. కార్త్యాయని. కార్త్యాయని, ఆహా, దుర్గమాత పేరు. అది 7th రోజు వస్తుంది ఆ దుర్గమాత. కార్త్యాయని రూపం చాలా మంచి పెట్టారు. ఎవరు పెట్టారు? మీ ఆయన పెద్ద పూజారి కదా, పూజారి లాగా ఉంటాడు మీ ఆయన. స్వామి మాల వేసుకుంటాడు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్, ప్రతి ఇయర్ స్వామి. దానికి చాలా ఉంటాయి కదా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ. ఏం చేస్తారు ముందు? మళ్ళీ అక్కడ వెళ్తాడా? ఎక్కడ వెళ్తారు? శబరి. ఏ నీకు హిందీ వచ్చు కదా, హిందీలో చెప్పు, హిందీలో చెప్పు కొంచెం కొంచెం. శబరికి శబరికు జాత. జాత 1 మంత్ కదా? 1 మంత్ ఒక ఏక్ మహినా మాల పెన్నా. 1 మంత్ దీక్ష మే రైనా. ఉస్కే బాద్ జానా. ఇరుముడి లేకే జానా. అదేంటి వో క్యా? కొబ్బరికాయలు. కొబ్బరికాయలు, పాని, సుక్క, చావల్, ఆహా, జాకిట, బ్లౌజా. అవన్నీ ఎందుకు? ఓ సబ్ క్యూ? మాపై అమ్మవారు కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ ఇవ్వాలి. అమ్మవారికి జాకెట్ బట్టలు పోతాయి. అమ్మవారు అంటే టెంపుల్ మందిరా లేకపోతే? మాత. ఆహా, ఆమెకి వెళ్తాయి అమ్మవారికి. దేవునికి ఏమో నెయ్యి గీ ఉస్మే నాయల్ మే హోల్స్ లగాకి ఘీ డాల్తే ఉస్మే. వో ఘీ నీచే గిర్ జాయేగా నా హోల్స్ కరేంగే తో? నీ గిర్తి ఉస్కు వో రైతా లగానే కే లియే. ఓకే. వో భీ మిల్తి. ఆహా. ఉదా సామాన్ మే సబ్ మిల్తా. ఉస్కు గయే తో. और सपना, तुम तो स्कूल में काम करते हो ना, तुम भी हस्बैंड के साथ? तो फिर अब क्या होगा, मेरे कपड़े कौन धोएंगे? मेरी अम्मा. मेरी अम्मा. नहीं सपना, तुम क्या करो, शाम को आ जाओ मेरे पास. अगर स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना तो वो तो तुम्हारा बेस है, वो करना ज़रूरी है. तो तुमको जब टाइम मिलता शाम को 5:30 को आ जाते ना, तो मेरे पास 6:37 को आ जाओ. ओके, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ. हाय राम, मैंने दाल रखा था, भूल गई, शायद जल गया होगा, पानी वानी पानी गिर गया होगा उसका नीचे.
नहीं नहीं बच गई है। तो फ्रेंड्स ये दोपहर का लंच है हमारा, मैंने बनाई हूँ दाल, यहाँ पे बोलते हैं खट्टी दाल, अगर इमली डाल दो तो हो जाता है वो खट्टी दाल, टमाटर डालो तो हो जाता है टमाटर वाली दाल, अगर लौकी डालो तो हो जाती है लौकी वाली दाल। तो ये है टमाटर वाली दाल। और सब्ज़ी में मेरा हो गया है, तो फ्रेंड्स सब्ज़ी में देखिए लौकी बन गई है, मस्त बढ़िया दिख रहा है। सबको तो आता ही होगा दाल चावल ये सब बनाना, ये सब क्या दिखाऊं। और सलाद में खीरा काट दी हूँ, और यश के लिए पापड़, और मेरे राइस भी बन चुके हैं। ये देखिए मेरा राइस कितने खिले खिले चावल है। बस अब हमको खाना है खाना, दोपहर का लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। तो चलिए लंच करते हैं साथ में। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने आया हूँ। ये आरटीपीसीआर टेस्ट मतलब कोरोना का टेस्ट, कोविड-19 का टेस्ट है, जो एवरी वीक हमारे ऑफिस में कराया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू माई GMR कंपनी। इससे ये फायदा होता है कि हर हफ्ते कराने से अगर हम जब ड्यूटी करके घर जाते हैं तो अपने को सेफ फील करते हैं, हम सेफ फील करते हैं तो हमारी फैमिली भी सेफ फील करती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि वहाँ पर हमारे पास आरटीपीसीआर कैसे कराते हैं। सो लेट्स सी, बाय बाय। ये हमारे अपोलो के स्टाफ हैं जो हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं GMR एयरपोर्ट के लिए। सो इसको क्या कहते हैं सर? VTM। इसी में सैंपल लिया जाएगा। ये हमारे जो फ्रेंड हैं जो एवरी वीक अपने लाइफ को थ्रेट करते हुए हम लोग सब लोगों को सेव करते हैं, हमारे एयरपोर्ट स्टाफ को सेव करते हैं ये। तो मैं ऑलवेज इनको जब भी टेस्ट कराता हूँ तो पक्का मैं ये बोलता हूँ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता? आपका नाम बोलिए सर। अंजनेलो। सो अंजनेलो टेस्ट करेंगे मेरा? अच्छा वो कर रहे हैं, ओके थैंक यू। हेलो सर, ये है मेरा टेस्ट। आपका नाम बोलिए सर? मोहम्मद जमाल। ये हमारा टेस्ट कराने के लिए हैं। देखिए हमारे लिए कितना ये लोग थ्रेट ले रहे हैं, वी शुड से थैंक्स टू हिम। नोट्स कर लीजिएगा प्लीज। सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाता है, इन्होंने पीपी किट पहना हुआ है, फेस शील्ड पहना हुआ है, ग्लोव्स पहने हुए हैं। डियर ऑल आर अपोलो स्टाफ, यस सर। हो गया, मेरे आंख से तो पानी थोड़ा सा निकल गया है, बट एनीवे इट्स अ वेरी गुड सैंपल, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। एक और लेना है थ्रोट का भी लेना है, जस्ट मिनट, एक और थ्रोट का भी लेना है। हुआ, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स देखिए ये शाम के 7 बज रहे हैं और यश बोल रहा था कि मम्मी प्लीज़ टेरेस पे चलिए, घर में बहुत गर्मी हो रही है और शाम को बहुत ऊपर अच्छी हवा चलती है। आप एक बार भी नहीं गए हो तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। और देखिए ये मेरे गोल गोल घूम रहा है और मुझे पटा रहा है कि मम्मी कुछ अच्छा बनाइए रात के डिनर के लिए, मैं जो बोलूँगा वही बनाना है। तो ये मुझे पटा रहा था। और आपको बता दूं कि यश के ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, मॉर्निंग 10 o'clock से आफ्टरनून 2 बजे तक चलता है। बच्चा पढ़ तो रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर देखिए क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। कभी कंप्लेन आते हैं मगर मम्मी की ब्लर पिक्चर दिख रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या फिर नेट प्रॉब्लम हो गया है। तो यही तो होता है रियल क्लासेस में और वर्चुअल क्लासेस में, यही डिफरेंस रहता है। मगर उनकी टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, जब भी मैं फ़ोन करती हूँ कुछ भी प्रॉब्लम में तो वो अच्छे से सॉल्व करके बताती है, एक्सप्लेन करती है उसके नोट्स को। तो देखिए इसके पहले जो मैं क्लिप बताई थी वो यश के फादर के एयरपोर्ट का क्लिप था। वो अपने आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे होता है, वो अपने स्टाफ के लिए करते हैं एयरपोर्ट वाले, बहुत अच्छा हाइजेनिक मेंटेन करते हैं और एवरी वीक कराते हैं ताकि उनके स्टाफ एकदम हेल्दी रहे। अगर कुछ कोई भी पर्सन कोरोना से, अगर किसी को कोरोना हो भी गया हो तो इतने अच्छे मेडिकेशंस देते हैं, इतने अच्छे रूल्स फॉलो होते हैं। पहले तो उन लोगों को 20-25 डेज की छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद जो भी मेडिसिन हो वो घर में ही आ जाता है और टाइम टू टाइम
वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है वो लोग फ़ोन करके इनके हेल्थ के अपडेट्स लेते रहते हैं। तो ये सब तो बहुत अच्छा है एयरपोर्ट का। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से कहीं एयरपोर्ट दिख जाए, मगर मुझे ही क्लियर दिख नहीं रहा रात के सीन में। अगर दिन में होता तो दिख जाता आपको, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट के पास ही रहते हैं। वहाँ के फ्लाइट टेक ऑफ और फ्लाइट के लैंडिंग, कभी मैं ऊपर छत में आऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है या लैंडिंग हो रहा है। बहुत क्लियर दिखता है यहाँ से, आपको अच्छा लगेगा वो सब देख के। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर नाइट का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट्स देखिए कितने ट्विंकल कर रहे हैं, हैदराबाद सिटी कितनी प्यारी लग रही है रात में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स जो आज ही ज्वाइन हुए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।